Hi everyone, welcome to Learn With Me. My name is Param. I hope you all are doing well. Guys, in today's video, I'm gonna share with you some daily useful short phrases as well as sentences which can be used in our daily conversation. I hope this video will be useful to you. So, without wasting time, let's get started. First sentence is, kar di hai. I have recommended you, I have recommended you. ऐसे में हम कहाँ जा सकते हैं वे कैन वी गो इन दिस सिचुएशन वेयर कैन वी गो इन दिस सिचुएशन मैं रोज़ इंग्लिश सीखने की कोशिश करता हूँ आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश एवरी डे आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश एवरी डे तुमने मुझे प्यार की कीमत समझाई यू मेड मी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लव यू मेड मी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लव तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते यू कैंट मेक एवरी वन हैप्पी यू कैंट मेक एवरी वन हैप्पी या फिर यू कैन नॉट मेक एवरी वन हैप्पी पैसे के पीछे मत भागो पैसा आपके पीछे भागेगा डोंट रन आफ्टर मनी मनी विल रन आफ्टर यू डोंट रन आफ्टर मनी मनी विल रन आफ्टर यू उसकी शक्ल पर मत जाओ वो मासूम नहीं है डोंट जज हिम बाय हिज फेस ही इज नॉट इनोसेंट डोंट जज हिम बाय हिज फेस ही इज नॉट इनोसेंट इंसानियत नाम की कोई चीज होती है देर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूम्यूनिटी टू देर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूम्यूनिटी टू तुम्हें यह करवाना पड़ेगा यू विल हैव टू गेट इट डन यू विल हैव टू गेट इट डन भूल कर भी कंपनी के नियमों को मत तोड़ना डोंट डेयर टू ब्रीच कंपनीज रूल्स डोंट डेयर टू ब्रीच कंपनीज रूल्स मैं अपने अच्छे भविष्य के प्रति आशावादी हूँ आई एम optimistic to टू हैव bright फ्यूचर आई एम optimistic to टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर वो मुझे भावुक कर रहा है ही इज मेकिंग मी इमोशनल ही इज मेकिंग मी इमोशनल मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया आई you अनोइंगली i hurt you unknowingly आपने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया you knowingly hurt me you knowingly hurt me अगला प्रश्न क्या होना चाहिए what should be the next question what should be the next question उसके चक्कर में मत पड़ो don't rely on him don't rely on him तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए यू मस्ट बी पनिश्ड यू मस्ट बी पनिश्ड मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ आई हैव कम हेयर विद लॉट्स ऑफ होप आई हैव कम हेयर विद लॉट्स ऑफ होप मेरी हंसी छूट गई आई कुडेंट होल्ड लाफिंग आई कुडेंट होल्ड लाफिंग अगर आपको ये कहना हो कि मेरी हंसी छूट गई या मैं अपनी हंसी को नहीं रोक पाई कंट्रोल नहीं कर पाई So, आप बोल सकते हो आई कुडंट होल्ड लाफिंग तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते यू कैन डू एनीथिंग रॉन्ग विद मी यू कैन डू एनीथिंग रॉन्ग विद मी तुमने मुझसे झूठ बुलवाया यू मेड मी टेलाए यू मेड मी टेलाए शक्ल पर मत जाओ सीरत पर जाओ डोंट जज बाय फेस बट वर्च्यूज डोंट नो जज बाय फेस बट वर्चुअस सारे प्रश्न हल किए जा सकते हैं ऑल द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ऑल द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व उन्हें कहाँ भेजा गया था वेयर हैड दे बीन सेंट वेयर हैड दे बीन सेंट ये काम हो जाना चाहिए था दिस वर्क शुड हैव बीन डन दिस वर्क शुड हैव बीन डन उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया दे वर ट्रीटेड बैडली दे वर ट्रीटेड बैडली जब आप हारते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं बजाय जीतने के यू टेन टू लर्न मोर वैन यू लूज देन वैन यू विन यू टेन टू लर्न मोर वैन यू लूज देन वैन यू विन ऐसी घटनाएं मुझे दुखी कर देती हैं सच इंसिडेंट्स सडन मी सच इंसिडेंट्स सडन मी इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस आई एम नॉट इनवॉल इन दिस बात को हंसी में मत उड़ाओ डोंट लाफ अवे द मैटर डोंट लाफ अवे द मैटर सो फ्रेंड्स दीज एंड सेंटेंसेस फ्रेजेंसेज वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट आई मीट यू इन न्यू वीडियो विद न्यू कंटेंट Till the time, all the best, good luck, bye bye.